मेरा एक कोर्स है जिसका नाम है वन ईयर्स बिजनेस ग्रोथ मास्टरी प्रोग्राम। एक साल का ये प्रोग्राम है जो कि बिजनेसमैन के लिए बनाया है, और बहुत सारे बिजनेसमैन जब इस प्रोग्राम में आते हैं उसके पहले उनका बिजनेस, और ये प्रोग्राम करने के बाद उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है। बिजनेस ग्रोथ मास्टरी 15 सेशन का ये प्रोग्राम होता है। इस सेशन के एक सेशन में मैं बात करता हूँ रिस्क टेकिंग पे, और मैं बात करता हूँ हर एंटरप्रेन्योर को अज्यूम करना चाहिए कि रिस्क आने ही वाला है, क्योंकि देखिए बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं मिलता है। मैं राइट और रॉन्ग? बिना रिस्क के रिवॉर्ड अज्यूम करना मुश्किल है। इसी प्रोग्राम के अंदर एक बिजनेसमैन मेरे पास आए और उन्होंने बोला, सर आप जो कह रहे हैं कि रिस्क लेना चाहिए वो ठीक है, बट पता है आपको क्या है, आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि आपने एक रिस्क लिया और आपने 2012 में एक सीईओ रख लिया जब आप 50,000 रुपए भी महीना नहीं कमा रहे थे। उस समय आपने एक सीईओ रख लिया जिसकी सैलरी 2,00,000 रुपए की थी, उसके नीचे आपने 10-15 लोगों की टीम रख ली और इतना बड़ा खर्चा आपने कर दिया, एकदम से प्लान कर लिया, एंड दैट यू कुड डू इट सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर कि पास्ट में मैंने एक 40,000 का आदमी रखा था सर, और वो आदमी ने पता है क्या किया, उसने मेरी पूरी की पूरी फॉर्मूले को चुराया और मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाके लग गया। और तो और उसके बाद भी मैं मानना नहीं, मुझे लगा शायद कोई बात नहीं, एक आदमी ऐसा निकल गया, मैंने दोबारा ऐसा किया सर। दूसरी बार आदमी ने मेरा सब कुछ सीखा और मेरा ही कॉम्पिटिटर बन के सेम बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया और मेरे कुछ कस्टमर ले गया। और सर एक बार फिर से मैंने फिर से ट्राई करने की कोशिश की तो इस आदमी ने इस बार मेरे सारे लोगों को भड़काया और मेरी ही टीम को लेके दूसरा बिजनेस चालू कर दिया। सर मैं 3 बार थका के गया हूं सर। सर हाउ डू आई टेक रिस्क एनी मोर? सर अब भरोसा नहीं होता है किसी भी नए आदमी के ऊपर। सर अब भरोसा नहीं होता है कि अपने से ज्यादा क्वालिफाइड आदमी को अपने बिजनेस में लूं। सर हाउ डू आई टेक रिस्क? माई डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हजारों इश्यूज कई आदमी फेस करते हैं। कोई आदमी कहता है कि मैंने पास्ट में 50 लोगों पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ा तो मैं फ्यूचर में ट्रस्ट नहीं करूंगा। कोई आदमी कहता है पास्ट में मेरा यह है कि मैंने बहुत मेहनत करके अपना बिजनेस बनाया लेकिन उस बिजनेस का फायदा किसी और ने उठाया, इसलिए अभी मैं बिजनेस नहीं करूंगा। कई लोगों ने कहा पास्ट में मेरे 15-20 दोस्तों को मैंने देखा है, उन्होंने नौकरी छोड़ के बिजनेस किया और उनमें से 5-7-10 लोग फेल हो गए, इसलिए मैं तो जिंदगी भर नौकरी में रहूंगा। दोस्तों कई लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू, पास्ट डज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। पास्ट डज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर, इज दैट क्लियर? क्योंकि देखिए अगर आपके पास्ट में फेलियर हुआ है तो क्या आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि फ्यूचर में भी फेल हो गए? अगर आप पास्ट में आपको कोई लॉस हुआ है तो क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि फ्यूचर में भी आपको लॉस होगा? लेकिन एक और चीज देखिए, पास्ट में आप सक्सेसफुल हुए हो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी आप सक्सेसफुल होंगे। पास्ट सक्सेस और पास्ट फेलियर गारंटीज नथिंग माय फ्रेंड्स, पास्ट इज नेवर इक्वल्स टू फ्यूचर। यस आई कैन अंडरस्टैंड कि 3 बार आपने 40,000 का आदमी रखा और तीनों बार आपको लॉस हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आगे बढ़ने का तरीका तो यही है कि आपको एक जबरदस्त क्वालिफाइड टीम चाहिए होगी और कई बार आपसे बेहतर टीम आपको चाहिए होगी। आपको शायद ये सारे नुकसान इसलिए हुए क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कैसा आदमी रखना चाहिए या उस आदमी को हैंडल करने का सिस्टम आपने पहले नहीं बनाया। एम आई राइट? ये इट्स नॉट ओनली अबाउट पीपल, इट्स अबाउट फाइंडिंग द राइट पीपल, हायरिंग द राइट पीपल एंड मेकिंग अ सिस्टम विच कैन कंट्रोल पीपल। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपने सिस्टम नहीं बनाया, हो सकता है आपने राइट प्रैक्टिसेस नहीं की, उसके बिना आपने आदमी रख लिया तो आप फेल हो गए। हो सकता है आपके 5 दोस्त फेल हो गए लेकिन उसके कारण आपने भी अपने आप को लिमिट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपने पास्ट के बीच में फ्यूचर का कॉल ले लिया। दिस इज नॉट गोइंग टू बी राइट। माई डियर फ्रेंड, मेक श्योर आपका पास्ट आपकी फ्यूचर के बीच में ना आए। हो सकता है पास्ट में आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में और आपका लॉस लग गया, इसका यह मतलब नहीं है कि शेयर मार्केट में कभी पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं है। शेयर मार्केट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स माय डियर फ्रेंड। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ही आप मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। हर एक मिलियनेयर बिलियनेयर कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन करना जानता है और वो करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। और पास्ट में अगर आपको किसी चीज से चोट लगी है तो फ्यूचर में आप रुक जाए ये ठीक नहीं है। जो रुक गया वो रुक गया। और दोस्तों ये कहा जाता है ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। क्या? ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। अगर आप पास्ट के डर से रुक गए, गारंटी देता हूं यू आर गोइंग टू बी रॉटन सून। आप बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएंगे जल्दी। आप आगे बढ़िए यार।
हो सकता है स्ट्रैटेजी चेंज करने की देर है, हो सकता है पहले जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो अभी अपनाई नहीं है। पास्ट में आप साइकिल चला रहे थे, आप गिर गए, तो क्या आपको साइकिल चलाना छोड़ देना चाहिए? पास्ट में एक बच्चा दौड़ रहा था और गिर के चोट लग के उसके सर पे 10 टांके आ गए, क्या बच्चे को दौड़ना रुक जाना चाहिए? एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है और उसने बॉल किया और शोएब अख्तर की पहली बॉल पे अगर वो आउट हो गया तो क्या उसको क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए? नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। मैं आपको इतना ही कहता हूं, आप में से आज ही पास्ट में कौन कौन से एक्सपीरियंसेस के कारण आप अपने आप को फ्यूचर में रोक रहे हैं उनको लिख लीजिए। आपका आज का होमवर्क, देखिए कि कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस, हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको चीट किया हो, पास्ट में किसी ने आपको रोका हो, पास्ट में किसी चीज में आप फेल हुए हो, पास्ट में किसी चीज के कारण आपका इंसल्ट हुआ है, आप पास्ट में स्टेज पे गए और स्टेज पे जाने के कारण 10 लोग आपके ऊपर हंसे, वो सारे पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को आप लिख लीजिए आज और अपने आप से एक सवाल पूछिए, ये पास्ट में हुआ क्या यही फ्यूचर में भी होगा? क्या गारंटी है? अगर 100% गारंटी है कि ऐसा ही फ्यूचर में होगा तो फिर भी आप मत कीजिए, लेकिन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ऑनेस्टली अपने आप से ये पूछा तो आंसर आएगा नहीं यार। बस चेक कीजिए कि पास्ट में कौन सी स्ट्रैटेजी गलत थी, इस बार शायद स्ट्रैटेजी चेंज करके कोशिश कीजिए। देखिए कई लोगों ने, मैं ओपन वर्कशॉप्स करता हूं, हॉल बुकिंग कर देता हूं, हॉल बुक करने के बाद हम लोग एडवर्टाइज करना शुरू करते हैं, 20 25 50 100 200 500 लोगों का हॉल हम बुक करते हैं। पास्ट में हजारों बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमने 1000 लोगों का हॉल बुक किया और 200 लोग आए, कभी 100 लोग आए, कभी 50 लोग आए, एंड कई लोगों ने कहा रुक जा, दिस इज नॉट गुड। बट दोस्तों मैं करता रहा, मैं लॉस खाता रहा, मैं और प्रॉब्लम्स में आता रहा, लेकिन मैं कभी रुका नहीं। उसका नतीजा यह है कि आजकल कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां हॉल 1000 का है और 1200 लोग बैठे हैं, कई लोगों को बाहर से जाना पड़ता है, कभी 1000 का टारगेट है तो 1600 लोग बैठे हैं। दोस्तों दिस इज़ व्हाट हैपेंस, यू कंटिन्यूअसली कीप ऑन डूइंग, डोंट लूज होप, डोंट लूज योर पैशन, डोंट लूज योर एंथुजियाज्म, बिकम एब्सोल्यूटली पावरफुल एंड सर्टन दैट यू आर बॉर्न टू विन। यस, यू आर बॉर्न टू विन, क्योंकि अगर आप जीतने के लिए पैदा नहीं हुए होते तो आपके मम्मी पापा ने आपको पैदा ही नहीं किया होता, भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा ही नहीं होता, भगवान का कोई टारगेट नहीं है कि इस साल 125 करोड़ की जनसंख्या है, अगले साल 140 करना है, भगवान का ऐसा कोई टारगेट नहीं है। अगर आप इस दुनिया में हो, ये प्रूफ है कि आप जीतने के लिए पैदा होने हो, कुछ जबरदस्त करने के लिए पैदा हुए हो। बिलीव इन इट एंड यू विल बी सक्सेसफुल। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन। दोस्त वीडियो को स्टॉप कर दो यहीं पे, थिंक अबाउट योरसेल्फ, क्लोज योर आईज एंड फील व्हाट आई एम सेइंग। अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। कब तक रोकते रहोगे अपने आप को यार? जस्ट गेट अप। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। हमारी किसी न किसी लाइव वर्कशॉप में आइए, हमसे जुड़िए फेसबुक के थ्रू, सो दैट टुगेदर वी कैन शेयर दीज काइंड ऑफ गुड थिंग्स विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू।